फॉर्चुनेटली एक मीटिंग या अपॉइंटमेंट बोल सकते हो मिल भी जाती है इनका इंटरव्यू होता है इनके साथ एंड वॉट एक्जैक्टली दे शेयर विच अदर वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना पूरी जर्नी पे बेस्ड फिरदौस कैंगा ने जो कि एक इंडियन ऑथर है उन्होंने अपनी बुक हैवन ऑन व्हील्स पे लिखा हुआ है जिसमें शॉर्ट sort ऑफ of इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में भी बात की है और उसके साथ साथ कुछ जो भी इंसिडेंसेस है कुछ फिक्शनरी चीजें हैं सब कुछ बताया उन्होंने तो एक ऑटोबायोग्राफी कह है सकते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफी बिकॉज टोटली इन लोगों की लाइफ के बारे में

So Firdaus Kanga was born in 1960. He is an Indian writer and actor who lives in London. So he specifically lives in London. And he is an actor or an Indian author. He has written a novel trying to grow a semi-autobiographical novel set in India and a travel book, Heaven on Wheels, about his experiences in the UK, where he met Stephen Hawking. तो इन लोगों ने क्या किया ना ट्राई किया एक सेमी ऑटोबायोग्राफी जैसे हम ऑटोबायोग्राफी जानते हैं खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में खुद ही लिखना बायोग्राफी किसी और की लाइफ के बारे में कोई और लिखता है सेमी ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की लाइफ के बारे में तो है बट आधा पार्ट बाकी सारी चीजें जो है वो अलग हैं कुछ इंसिडेंट हैं कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स इमेजिनेटिव स्टोरीज बहुत सारी चीजें मिक्स हो सकती है उसे कहते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफी और इनका जो बुक जो जिसका नाम इन्होंने रखा था हेवन ऑन व्हील्स इट्स अ ट्रैवल बुक जिसमें इन्होंने पूरी जर्नी के बारे में मेंशन में किया है जो भी इनके यू नो एक्सपीरियंसेस रहे जब ये यूके गए थे यूनाइटेड किंगडम और वहां पर जब ये स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं तो वहां पर क्या बातचीत होती है वो भी चीजें इस बुक में, 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 में की गई है सो विजिट टू कैम्ब्रिज इज एन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर इन इंग्लैंड वेन ही विजिटेड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड हैड एन इंटरव्यू विद हॉकिंग तो अभी तक समझ आई चुका है कि ये जो चैप्टर तरह वो एक्सपीरियंस है हमारे ऑथर का जब वो इंग्लैंड गए वहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके इन्होंने स्टीफन हॉकिंग से इंटरेक्शन किया कम्युनिकेट किया और उसी पे बेस्ड इन्होंने अपनी पूरी एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर किए अब हमें और भी अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इन दोनों के बारे में दैट इज़ फिरदौस कैंग एंड स्टीफन हॉकिंग चलिए वो जल्दी से पढ़ लेते हैं

तो इसीलिए ऐसे लोगों हम क्या कहते हैं कि डिसेबल्ड हैं एबिलिटी नहीं है बट ज्यादा अच्छा वर्ड क्या यूज किया जाता है आजकल डिफरेंटली एबल्ड यानी अलग तरीके की एबिलिटी है एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड दैट हैज़ बीन यूज इन दिस चैप्टर स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आर टाइम और स्टीफन हॉकिंग बहुत वेल well नोन है ही इज़ अ वेरी 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 वेल नोन साइंटिस्ट तो अगर इनको नॉर्मली कोई देखे और जो जानता ना हो इनके बारे में तो वो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि दिस पर्सन कुड हैव अचीव सो मच अभी भी मागे जाके पढ़ेंगे इनके अचीवमेंट्स के बारे में सो दिस इज हाउ ही इज डिफरेंटली एबल्ड नॉट डिसेबल्ड

एंड दिसम टू स्पीक बट कैसे बात करते थे -like वो इनकी बातों को सामने वाले को बताती थी तो ये कुछ भी नहीं कर पाते थे जस्ट दैट इनके हाथ में कुछ मूवमेंट थी जिसकी वजह से ये पंच कर पाते थे अदर दिन दैट बाकी कोई भी मूवमेंट उनकी बॉडी में नहीं था फिर भी इन अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है ंगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हुई तो वो राइटर भी हैं एक जर्नलिस्ट भी हैं जो कि मुंबई में रहते हैं और इसके पहले अभी करेंटली बात करें तो वो भी लंदन में है। तो अभी करंट वाला जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दे दिया और ये आपकी बुक में इंट्रोडक्शन वो भी हम यहाँ देख रहे हैं सो कैंगा विद ब्रिटिल बोन्स ब्रिटल बोन्स यानी कि जो हड्डियों में ज्यादा यू नो ताकत नहीं होती बहुत जल्दी टूट जाती हैं दैट टेंडेड टू ब्रेक इजिली वेन ही वॉज अ चाइल्ड तो जब ये छोटे थे तो ब्रिटल बोन्स का ये कंडीशन होता था कि बहुत जल्दी ये बोन्स ब्रेक हो सकती हैं लाइक हॉकिंग अ अराउंड इन व्हील चेयर और इसीलिए जब बोन्स में ताकत नहीं थी तो वो फिर ताकत ही नहीं रही बचनी, चलने की यू you नो know? तो इस वजह से ये भी अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑन वॉट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन व्हील चेयर और दोनों एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं इस चैप्टर में क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि व्हील चेयर पे लाइफ स्पेंड करना इन दोनों को कैसा लगता है एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट

are far better than these so-called normal people. Clear? Yeah? All right. So the chapter begins from here. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. तो वो बोलते हैं जो ऑथर फिरदौस फिर वो बोलते हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का मेटाफर है पोइट्री मतलब में भी यूज करते हैं मेटाफर का बोला कुछ गया है पर उसका मतलब कोई और है. हम कुछ और सिंबलाइज करना चाहते हैं कैम्ब्रिज जो है वो एक रेप्रेजेंटेटिव था ऑथर के लिए इंग्लैंड का यानी इंग्लैंड मतलब कैम्ब्रिज एंड इट वॉज दैट वैन आई लेफ इट हैड बिकम बट उनको बहुत अजीब लगता है कि जब मैं वहाँ से जा रहा था तो ये ऑल टूगेदर कंप्लीटली चेंज हो चुका था बिकॉज आई हैड मेट स्टीफिन हॉकिंग देर

अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बोल रहे थे कि मैं ऐसे वॉकिंग टूर कर रहा था मैन यू गो टू दीज प्लेसेज ना तो आप जैसे हमारे इंडिया में कोई आता है घूमने तो हम जो नो वो लोग वहाँ पे टूर गाइड्स होते हैं उनको हर एक जगह लेकर जाते हैं हर एक जो भी स्पेशल प्लेस है म्यूजियम्स हैं चर्च हैं हर जगह लेके जाते हैं सिमिलरली यहाँ आप जाते हो अगर आप घूमने जाते हो इंग्लैंड तो आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी वॉकिंग टूर मिलता है तो ये जो है एक तरीके से देख रहे थे कैमरेज को सारी चीजें देख रहे थे तो वहां पर एक जो गाइड था उसने ये चीजें क्या बोलते हैं वो इज पुअर मैन बेचारा आदमी सक्सेसर बट फिर भी वो क्या है एक बिल्कुल लायक सक्सेसर है successor के बाद, अगर कोई पर लायक था उनकी चेयर के लिए तो वो कौन है स्टीफन हॉकिंग न्यूटन इज अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट राइट उसके बाद

And when he was just going, you know, he was having a walking tour when he went to just see England. There, the guide, the person who shows you everything, there is this person to a guide kind of, who has and everything. That person told this author, that person was, you know, generally talking to all the people.

And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. फिर यहाँ पे पता चलता है उनको वो बोलते हैं कि हां मतलब मैं तो भूल ही गया था कंप्लीटली कि एक जितने भी लोग जो ब्रिलियंट लोग होते हैं जिनका नाम जाना जाता है दे हैव माइंड उनमें से एक कौन है स्टीफन हॉकिंग नंबर टू वो क्या है कंप्लीटली पैरालाइज है बट ही इज एस्ट्रोफिजिसिस्ट एस्ट्रोफिजिस्टिस्ट मीन स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स प्लान एक्सेट्रा तो जिस ब्रांच में स्टार्स प्लान सबके बारे में बात की जाती है एस्ट्रो स्टार्स फिजिक्स अ ब्रांच ठीक है तो वो एक वेल नोन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं है ऑल्डो ही इज कम्पलीटली पैरलाइज सेकेंडली उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो कि उस वक्त की बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स यानी कि जो आज तक बुक सबसे ज्यादा बिकी हैं लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है उनमें से एक बुक इनकी भी थी तो ऑल दो ही पैरालाइज ऑल दो पीपल यूज टू कॉल हिम डिसेबल्ड बट ही द वन हु अ वेरी वेल नोन ब्रिलियंट पर्सन ही वॉज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑल्सो ही हैड अ वेरी गुड बुक अ बेस्ट सेलर बुक दैट वॉज टाइप

अब क्या होता है जैसे ही इनको ये रियलाइज होता है कि नहीं अब तो मिलना ही पड़ेगा इस पर्सन से तो वो क्या करते हैं वो जल्दी से भागे जैसे ही वॉकिंग टूर वगैरह कंप्लीट हो गया वो भागे बाहर किस तरफ फोन बूथ की तरफ तो ऐसे बॉक्सेस होते हैं जहां एक फोन रखा होता है आप जाते हो कॉइन प्लेस करते हो या फिर आप डायरेक्टली कॉल करते हो उसके तो बाद जो कुछ भी चीज होती है ज्यादातर तो कॉइन्स ही आपको डालने पड़ते हैं हमारे यहाँ पे भी बहुत टाइम तक चला है ये सिस्टम और फिर आप बात करते हो अब क्योंकि ये जो हमारे राइटर हैं ही वॉज ऑल्सो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर वो भी सिर्फ व्हील चेयर पर बैठते थे तो वो गए फटाफट फोन बूथ पे और उन्होंने फोन को खींचा ताकि जो कॉर्ड है जो तार है वो बाहर तक आ पाए और फिर वहां से उन्होंने डिसाइड किया किसको कॉल करने को जो स्टीफन हॉकिंग का घर है वहाँ पे कॉल लगाएंगे तो ये चीज जो बोली गई है ना कि वो कहाँ पे ये क्यों करा उन्होंने ऑलमोस्ट ईयरिंग कॉड्स को इट कुड रीच में आउटसाइड, बिकॉज ही वॉज पैरलाइज तो अंदर जाने से उन्होंने वो कॉर्ड को खींचा अपनी तरफ तक कहाँ तक वो आ पाए और फिर वो कॉल कर पाए किसको स्टीफिन हॉकिंग को डन ऑल राइट

तो ये जो परमिशन मिलेगी क्या होगा आप एकदम से शॉर्ट हो जाओगे हैं सच्ची में हां बोल दिया तो इस तरीके का जो एक शॉकिंग सा वे होगा आपकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी सॉर्ट ऑफ तो आपको लगेगा कि क्या हो गया मतलब यू वुड फील समथिंग लाइक वु आपको कुछ फील ही नहीं होगा सेम वे में ये भी ऐसे ही फील करने लगे एंड देन ही वॉज ऑल्सो फीलिंग वीक बिकॉज ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉगर इज सीबडी लाइक यू अचीविंग समझ फिर उनको समझ आया कि लाइफ जो मैंने व्हील चेयर पर अपनी जर्नी बिताई है जो कोई आता है वो यही बोल देता है कि यू नो यू है हिम्मत से काम लेना पड़ेगा यू केन डू इट और ऐसा लगता है सब सुनकर जैसे मेरे पास एक हिम्मत का अकाउंट हो एक करेज का अकाउंट हो बट मैं बड़ा आलसी हूं वहां जाकर चेक साइन करना या फिर पैसे निकलनाने में यानी कि ऐसा लगता था ऑथर का कहना यह है कि जब भी हम ऐसे पर्सन को देखते फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन से मिलो जो कि थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड है जिसमें वो नॉर्मल एबिलिटी नहीं आपकी जैसे आपको क्या लगता है अरे बेचारा कैसे करेगा सारी चीजें तो आप उसको लेक्चर देने लगते हो हिम्मत से काम लो यू कैन डू एड अ वेरी स्ट्रांग पर्सन अरे भाई उसको भी पता है ये चीज राइट तो वो बोलते हैं यहां पर कि जब से मैं डिसेबल या फिर मैं डिफरेंटली एबल्ड जो कंडीशन है मेरी उसमें मैंने ग्रो किया है वीलचेयर पर रहा हूं एवरीबडी जस्ट कम्स एंड टेल्स मी यू हैव टू बी ब्रेव यू हैव टू बी स्ट्रॉ एंड इट साउंड लाइक कि मेरे पास एक करेज का अकाउंट है हिम्मत का अकाउंट है बस मैं जाके

और वो आपसे ज्यादा हासिल कर चुका है ज्यादा अचीव कर चुका है फॉर एग्जाम्पल जब आप अपनी क्लास में किसी बच्चे को देखते हो आपकी तरह ही स्टूडेंट आप ही की एज का है आप ही की तरह पढ़ाई करता है नॉर्मल घर फैमिली बिलोंग करता है और वो आपसे भी अच्छी मार्क्स ले आए

देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड वो तो फिर समझ आता है आपको कि लिमिटेशन क्या है आप क्या कुछ You know, कर सकते हो आप क्या क्या कुछ अचीव कर सकते हो और उसके बाद आप वो कुछ कर जाते हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था लाइक इफ यू नो जैसे आपकी लिमिट थी आपको लगता था कि नहीं बस इतना है मैं यहाँ तक कर लूंगा तो बहुत बड़ी बात है बट जब आप देखते हो कि आपके जैसा कोई पर्सन है आपसे भी यू you नो know, आप उससे बेहतर हो ऐसा आपको दिख भी रहा हो डायरेक्टली बट उस पर्सन ने आपसे दस गुना ज्यादा अचीव कर लिया तो आपको समझ आता है कि भाई ये लिमिट नहीं थी जो मैंने डिसाइड की थी बल्कि चीजें और भी है जो मैं हासिल कर सकता हूँ सो दिस इज द वे वेन ही वॉज लाइक यू गेट टू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू जिस go further and further and you just give your best to achieve that i haven't been brave said this disembodied computer voice the next afternoon i have had no voice surely i wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice ab kya hota hai जब वो लोग बातचीत करते हैं इंटरव्यू में मिलते हैं तो हर एक चीज़ तो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो कुछ क्वेश्चन करते हैं कुछ बात हुई होगी तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग ने टाइप किया पंच किया और उसके बाद वो मैसेज एक रोबोटिक वॉइस या फिर कंप्यूटर वॉइस के फॉर्म में सामने वाले तक तो पहुंचती है बिकॉज ये सिर्फ अपने हाथ से कुछ मूवमेंट कर सकते थे बाकी पूरी बॉडी इनकी पैरालाइज थी। तो वहां से वो बोलते हैं आई हैवेंट बीन ब्रेव मैं कंप्लीटली ब्रेव नहीं था मैं ऐसा नहीं था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन था मुझे कोई चीज का फर्क ही नहीं पड़ा इसलिए मैंने कुछ अचीव कर लिया सेंड हिज कंप्यूटर वॉइस सैड मतलब सेपरेटेड फॉर्म और एग्जिस्टिंग विदाउट द बॉडी ऑब्वियसली बात उनकी बॉडी से नहीं आ रही थी बल्कि कंप्यूटर वॉइस से आ रही थी तो वो क्या है विदाउट अ बॉडी राइट द नेक्स्ट आफ्टरनून यानी अगले आफ्टरनून को इनको थ्री थर्टी टू फोर का टाइम मिला था मिलने के लिए गए मिलने तो वहां स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा ब्रेव रहा हूं बल्कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी आई हैड नो चॉइस इसके अलावा कि मैं कुछ करूँ मैं हिम्मत दिखाऊँ क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था आई हैड नो ऑप्शन तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था ये बात सुनकर मैं उनको जवाब दूँ आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद रियालिटी ऑफ हिस डिस बॉडी वॉज अ चॉइस वो बोलते हैं बल्कि आपके पास चॉइस तो थी आपने तो चूज किया कि आप अलग वे में क्रिएटिव वे में अपनी ऐसी बॉडी के साथ रह रहे थे और वही आपकी चॉइस थी यानी अगर आप नॉर्मली किसी इंसान को देखो जो कि स्टीफन हॉकिंग की तरह पैरालाइज हो तो वो थोड़ी ना तक कुछ सोचेगा वो तो ऐसे ही रहेगा नॉर्मली सपोर्ट के साथ लोगों की हेल्प के साथ राइट बट उन्होंने इतना कुछ अचीव किया था इस कंडीशन में भी कि अगर हम इमेजिन करेंगे अगर वो नॉर्मल होते हमारी तरह तो पता नहीं फिर तो वो क्या ही कर जाते तो इस तरीके से वो बोलना चाहते थे ऑथर कि आपकी तो चॉइस थी आप इन्होंने तो चूज किया ऐसे कि आप क्रिएटिव वे में रहना चाहते थे इस बॉडी के साथ भी बट आई केप क्वाइट बिकॉज आई फेट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड पर वो वो चुप रहे ऑथर क्यों क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं बार बार जब भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको बार बार पंच करना पड़ रहा है लिखना पड़ रहा था मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए कि मैं बड़ा गिल्टी फील कर रहा था वाई आई एम फोर्सिंग दिस पर्सन वाई आई एम ट्रेवलिंग हिम दैट यू हैव टू अगे एन अगेन आंसर टू मी सी आई जस्ट थॉट दट आई शुड कीप क्वाइट देर ही वॉज टैपिंग एट द लिटल स्विच इन इज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड ऑन एस कंप्यूटर विदली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स अब वो बोलते हैं कि वो पर्सन क्या कर रहे थे जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ या कोई भी उनसे बात करता है तो उनके पास एक छोटा सा स्विच होता है हाथ में और उसमें वो टैप करते रहते हैं कंप्यूटर में वर्ड्स ढूंढते रहते हैं जस्ट बींग इन दैट वन पोजिशन और फिर वो पंचन करते हैं और सामने वाले को उनका जो भी आंसर होता है वो कंप्यूटर वॉइस में सुनाई देता है तो वो यही देख रहे थे कि उनके बड़े से पेल से फिंगर्स हो गए हैं बिल्कुल और वो बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे रही क्योंकि उतनी मूवमेंट थी उनकी बॉडी में सिर्फ उनके फिंगर्स काम करते थे बाकी कुछ काम नहीं करता था बॉडी में तो वो अपने फिंगर से कोशिश करते थे पंचन करने की फिर वो आंसर जो है उनको रोबोटिक वॉइस में सुनाती थी सुनाई देती थी Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. बंद कर लेते थे एक फ्रस्ट्रेशन में कि मतलब क्या हो रहा है मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो कई बार ऐसा होता है ना आप जैसे आपको अगर हम बोले कि दो दिन चुप रहो पूरा कंप्लीटली कुछ नहीं बोलोगे हिलोगे भी नहीं एक जगह पर बैठ जाओ सिर्फ आंखें हिल सकती, सकती है आपकी फिंगर्स हिल सकती है सुन के डर लग रहा है राइट right? तो ये पर्सन तो इतने सालों से वही चीज फॉलो कर रहे थे तो अलग ही ऑथर को दिख रहा था कि उनमें भी एक फ्रस्ट्रेशन था थक चुके थे वो था और वो उनकी आँखों में, और उनकी उनको दिख रहा था। एंड एंग्विश दाइंड बो एंड अब क्या होता है जब ये बोलते हैं कि वो बार बार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं बिकॉज ऑफ गेटिंग टायर्ड बिकॉज ऑफ द एग्जॉशन इसके बाद भी वो फील कर पा रहे थे ऑथर कि मैं उनके जस्ट सामने बैठा था वो सिटिंग ऑपोजिट हिम एंड देन आई कुड फील हिज एंग्वेज एंग्वेज मींस पेन और सफरिंग जब किसी को बहुत यू you नो know, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में हो दर्द हो दर्द इन द सेंस वो रियल पेन नहीं नॉर्मल जो बहुत तकलीफ हो सफर कर रहा हो कोई तो उस चीज को बोलते हैं एंग्विज तो यहाँ ऑथर बोलते हैं कि मैं जब उनके सामने बैठा था तो मैं फील कर पा रहा था कि उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है वो कितना सफर कर रहे हैं एंड द माइंड बोयान बोयाट मीन्स इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट और उनके दिमाग में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ना कुछ, ना कुछ ना कुछ चल रहा है बट वो किसी से बोल नहीं सकते क्यों क्योंकि वो कंप्लीटली पैरालाइज है विथ थाट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस और उनके दिमाग में जो भी चीजें थी था थी वो कैसे आ रही थी एक ऐसे जो कहते हैं अपन फ्रेजेस कहते हैं यानी जिसमें सब्जेक्ट वर्ग का कॉम्बिनेशन नहीं होता है उन्हें हम नॉर्मली फ्रेजेस कहते हैं तो वो फ्रेजेस कैसे थे फ्रोजन जमे हुए क्यों क्योंकि क्यों क्यों कोई फीलिंग्स नहीं थी उनमें तो सीधे कंप्यूटर बोल रहा था तो विदाउट इमोशन विदाउट फीलिंग्स तो फ्रोजन जमे हुए और उनके जो सेंटेंसेज थे वो बिल्कुल उतने ही स्टिफ उतने ही कड़क थे जैसे कि एक डेड बॉडी होती है कॉप्स होता है यानी उनको कोई भी इमोशंस जो उनके दिमाग में थे जो फीलिंग्स थी उसके साथ वो बोल नहीं पा रहे थे तो सारे जो वर्ड्स आ रहे थे वो रोबोटिक वॉइस में इट लाइक लाइक दे फ्रोजन एंड स्टिफ जस्ट अनहेप्पी आई सेल आई नो दैट नॉट ट्रू माई सेल्फ तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ऐसा मानना है कि जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड होते हैं जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं क्रॉनिकली मीन्स इंटेंसली सॉरी एक्सट्रीमली सैड ऑलवेज क्रॉनिकली अनहैपी अनहैपी मीन्स सैड और क्रॉनिकली मीन्स हमेशा की तरह यानी वो हमेशा ही दुखी होते हैं लोग ऐसा मानना होता है जिनके पास डिसेबिलिटी है जो चल फिर नहीं पाते जो बोल नहीं पाते देख नहीं पाते वो जिंदगी भर दुखी ही रहते हैं ऐसा उनका मानना है तो इन्होंने कहा आई नो दैट नॉट ट्रू माई सेल्फ मुझे भी पता है बट ये सही बात नहीं है कि हर कोई हमेशा ही दुखी होता है ऐसा कुछ नहीं है ये लोग भी बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं क्रिएटिवली जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है Are you often laughing inside? About three minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me.

बड़ा ही प्यार से काइंडनेस के साथ बात करो दया दिखा रहे हो बट अलग ही दिख रहा है कि आप सिर्फ फेक कर रहे हो उसको आप जानबूझ के दया दिखा रहे हो बिकॉज आपको बुरा लग रहा है सामने वाले के लिए तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं हमेशा इसको बड़ा अम्यूजिंग मानता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं एंड डू यू फाइंड इट अंगन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क और ऑथर एकदम से बोलते हैं कि अच्छा आपको क्या ये चीज बड़ी बुरी लगती है कि मेरे जैसे हर कोई आ जाता है और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है तो बड़ा ह्यूमरस क्वेश्चन किया अब इस पर आंसर क्या करते हैं स्टीफन हॉकिंग द आंसर फ्लैश हॉकिंग बोलते हैं बिल्कुल मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ जब आप जैसे लोग जो है आते हैं और मेरे को मेरे काम में डिस्टर्ब करते हैं

बल्कि मेरे को ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान देख रहा हूँ इस वक्त क्योंकि उनके पास इतनी डिसेबिलिटीज हैं कंप्लीटली बॉडी मूव नहीं कर सकती पूरा टाइम बात नहीं कर सकते फिर भी वो पर्सन इतना खुश था अंदर से तो उनको लग रहा था इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम एस शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ फिर वो बोलते हैं जब पहली बार कोई उनको देखता है उनकी जो पहली झलक है ग्लिम्स मीन झलक तो कोई भी शॉक हो जाएगा देखकर क्योंकि ऐसा लगता है कि एक पिक्चर है बस यानी कोई इंसान नहीं है उसका एक फोटोग्राफ है बिकॉज उनमें मूवमेंट ही नहीं है वो स्टिल है और ऐसा लगता है उनके जितने भी पिक्चर्स है जो मैगजीस पे लगे हुए हैं जो कि न्यूज पेपर्स में छपते थे बस वो थ्री डी बन गए थ्री डी क्यों क्योंकि हर तरीके से हम एक इंसान को देख पा रहे नॉर्मली क्या होता है टू डी पिक्चर होता है पिक, मैगजीस न्यूज पेपर्स में बट ऐसा लगता था कि बस वो थ्री डायमेंशनल हो गया है दट सेड बाकी वो पिक्चर ही है जैसे हम मैगजीन न्यूज पेपर में देखते हैं जब रियालिटी में भी कोई स्टिफन हॉकिंग को देखता है Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent.

अपर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि जो ऊपर का पार्ट होता है बॉडी का ऐसा लगता है बस उसको भर दिया रख दिया जैसे उनका हेड देखो एक तरफ ट्विस्टेड है तो ऐसा लगता है कि जैसे जान ही नहीं है लिम्पली उसके बाद जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी उसको बस एक शर्ट में डाल दिया ऐसा लगता है पेल शर्ट में उनको श्रंक कर दिया है, उस वक्त उन्होंने पेल ब्लू कलर की शर्ट पहनी होगी द वेस्टेड लेग्स वेस्टेड का मतलब होता है वीक और एबनॉर्मली थि और वीक यानी उनके जो लेग्स थे वो बिल्कुल ऐसे पतले से थिन वीक जैसे जान ना हो ऐसे ही उनके लेग्स भी लगते थे जो कि हमें

जो बाहर से बहुत ज्यादा यूज हो चुका है आउट है बहुत गंदा सा हो गया बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा उसको देखने में यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इन साइड बट आप उसको देख ही नहीं रहे हो आउटर कवरिंग को आप सिर्फ अंदर जो लाइट जल रही होती है इस लैम्प के उसको देख रहे हो द इन कैंडिस ऑफ अ मैन वॉट इज इन कैंडिस इनर ग्लूअर लाइट यानी कि आप जब स्टीफिन हॉकिंग को देखते हैं तो आप उनकी बाहर बॉडी को देखते ही नहीं हो ठीक है धीरे धीरे आप सिर्फ क्या देखने लगते हो वो एज अ पर्सन एज स्लो सोल जो है कितने ब्यूटीफुल है यानी आप उनकी जब चीजें सुनते हो रोबोटिक वॉइस या फिर आप उनको देखते हो आप उनकी आंखों में पढ़ पा रहे हो कुछ तो आप डेफिनेटली फील करते हो कि उनके अंदर की जो सोल है अंदर जो एक ब्यूटिफुल पर्सन है उनके वो आपको दिख रहा होता है फिर आप उनको जो बाहरी तौर पर जैसे वो डिफरेंटली एबल्ड है वो चीजें नोटिस नहीं करते हो द बॉडी ऑलमोस्ट इेलिवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज और ऐसा लगता है जैसे बॉडी जो कि बाहर का जो हमारा फिजिकल आउटलुक होता है वो सिर्फ इरेलीवेंट है नाम मात्र का कोई इंपॉर्टेंस नहीं उसकी एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज ऐसा लगता है बस एक कवरिंग है दैट्स इट इस अलावा और कुछ भी नहीं लिखता है बस ऐसा लगता है कि शेडो है परछाइयाँ हैं केस है कवरिंग है बस आपका ध्यान कहाँ जाता है जो इनर सोल है जो ब्यूटिफुल सोल है जो इन कैंडस है जो ग्लो है इन साइड द बॉडी वो आपको दिखता है

वो इंपॉर्टेंस रखता है बाकी जो चीज़ें हैं जो बाहर बाहरी यू नो आपकी खूबसूरती है यू आर ब्यूटीफुल और यू डोंट लुक गुड यू हैव समथिंग एल्स इफ़ यू हैव अ डिसेबिलिटी एनी वो सब चीज़ें सिर्फ एसेसरी है एसेसरी का मतलब होता है नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा दो डेकोरेटिव जैसे आप ज्वेलरी पे हो तो जरूरी नहीं है बट वो एक्स्ट्रा होती है वो डेकोरेट करती है आपको सिमिलरली ये जो है बॉडी हमारी बाहरी वो सिर्फ एक एसेसरी है सिर्फ हमको डेकोरेट कर रही है अदर देन दैट इंपॉर्टेंस क्या रखता है सिर्फ और सिर्फ आपका एज अ पर्सन कैसे हो आप वो होना एंड ऑलो योर इटर्नल सोल What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. फिर वो बोलते हैं, मैंने स्टीफन हॉकिंग से क्वेश्चन किया था कि आपके हिसाब से डिसेबल्ड होना, डिफरेंटली एबल्ड होने की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? I don't think there is anything good about being disabled. I think I said you do discover how much kindness there is in the world. Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. Ab kya hota hai? जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि डिसेबल्ड होने का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है तो स्टीफन हॉकिंग ने बोला मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने की कोई भी बात अच्छी है उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी तो यहाँ पे ने इतनी अच्छी चीज बोली बट मुझे लगता है कि आप ये डिस्कवर करने लगते हो आपको ये पता लगने लगता है कि इस दुनिया में कितनी इंसानियत कितनी काइंडनेस बची हुई है कितना यू you नो know, लोगों को पसंद समझ आता है फील कर पाते हैं लोगों के इमोशंस को तो अगर आप डिसेबल्ड होते हो तो आपको उस तरीके से समझ आने लगता है बिकॉज यू मीट सो मेनी पीपल इन योर लाइफ दैट यू काइंड काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हाउ मच काइंडनेस इज लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड तो उन्होंने क्या बोला जो स्टीफन हॉकिंग थे वो बोलते हैं येस ही सेट उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल यानी कि वो अग्री कर रहे थे इस पॉइंट से अब ऑथर बोलते हैं कि डिसएडवांटेज उनकी रोबोटिक वॉइस का जो मशीन वॉइस थी उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि उनको समझ ही नहीं आता था कि वो किस इमोशन के साथ बोल रहे हैं इफ्लेक्शन आप दुखी होते हैं तो आप नॉर्मली धीरे धीरे बात करते हैं आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं तो हमारी बात का जो टोन होता है राइज इन फॉल होता है वॉइस का उससे समझ आता है सामने वाले को कि हमारे दिमाग में क्या इमोशन चल रहा है राइट सिमिलरली इनकी वॉइस तो सेम ही थी खुश होंगे तो भी वही वॉइस आएगी दुखी होंगे तो उसी तरीके से आएगी तो वो बोल रहे थे कि डिसएडवांटेज ये था इस वॉइस सिंथेसाइजर का कि उनकी जो शेड्स हैं या टोन ऑफ वॉइस है या इन्फ्लेक्शन है, है उसे समझ नहीं आता था कि पर्सन कितना ज्यादा एक्साइटेड है या कितना खुश है कितना दुखी है क्लियर सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ एंथुसियास्टिकली हाउ एक्साइटिंग ही वाज व्हेन ही काइंड ऑफ हर्ड दिस थिंग कि ऑथर ने जब बोला कि आपको काइंडनेस समझ आती कितनी बची दुनिया में तो उन्होंने येस बोला तो ऑथर ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि वो कितने खुश थे क्या वो सच्ची में बोल रहे थे येस क्या वो सटियास्टिकली बोल रहे थे वो बिल्कुल भी ये चीज समझ नहीं पा रहे थे एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन my चेयर और टर्न माई रेस्ट टू the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. वो बोलते हैं कि जब भी मैं अपनी ट्रेन चेयर पे थोड़ा शिफ्ट हो रहा था अपने आपको कंफर्टेबल कर रहा था बार बार अपने रिस्ट पे लगी वॉच में टाइम चेक कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे हर एक मिनट को बड़े ही अच्छे से यूज़ करना है आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड एग्जिलेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी फिर वो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एक तरीके की एक्साइटमेंट फील हो रही थी मुझे अपनी बॉडी के अंदर जब मैं इस इंसान से मिला

फिर मैंने वो, वो बोलते हैं कि फिर मैंने स्टीफन हॉकिंग को बताया कि वो कितने बड़े इंस्पिरेशन हैं मेरे लिए कितने बड़े मोटिवेशन हैं बियॉन्ड यानी फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लूजेज इट यानी फालतू तो कुछ भी बोल रहा है तो मैं ऐसा नहीं था मैं सिर्फ बोल रहा था कि जब उसका मतलब हो नहीं मैं उनको ये बता ही नहीं पा रहा था कि मैं कितना ज्यादा इंस्पायर फील कर रहा हूँ मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम. फिर वो बोलते हैं कि बाकी लोगों के लिए भी आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, और फिर वो सोच रहे थे कि क्या ये बात जो है वो उनको अच्छी लगी क्या ये चीज उनको हेल्प कर रही थी आगे जाके एज अ हैप्पी पर्सन रहने में क्लियर ऑल राइट

is a claustrophobic room and the walls are going near narrower day by day. It does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. So as a nine इट वॉज लाइक कि वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पे कि लोग जो हैं मुझसे इंस्पायर फील कर रहे हैं मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो वो चीज से मैं बड़ी खुशी होती है या फिर मैं बहुत अलग सोचने लगता हूँ ऐसा नहीं है ऐसा क्यों बिकॉज जब आपकी बॉडी जो है क्लास्ट्रोफोबिक रूम बन चुकी है इज वेरी स्मॉल एंड सफोकेटेड इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी जगह पर हो जो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा घुटन हो रही है बहुत सी बंद सी कोई जगह है और वहा आपको बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही है उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया तो आपकी बॉडी जब एक वैसा ही रूम बन चुकी है जहां आपको घुटन हो रही है बिकॉज यू आर जस्ट देयर राइट स्टिल आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते एंड नैरोअर डे और ऐसा लग रहा है कि जो walls है, जो हैं, दीवारें है, वो छुड़ी होती जा रही है इट नॉट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी ब्रीथिंग स्टिल तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब आप ऐसी कंडीशन में हो और बाहर आपकी दुनिया के आपके घर के बाहर आपकी बॉडी के बाहर लोग आपको एडमायर कर रहे हैं और इसीलिए एडमायर कर रहे हैं कि अभी तक आप जिंदा हो अभी तक आप यू you नो know, ऐसे रुके हुए हो बिल्कुल स्थिर हो और आप सांस ले रहे हो तो ये चीज जानकर आपको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एज अ पर्सन एज इन द बॉडी आपको तो ये फील हो रहा होता ना कि वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद मी इज दर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माई हेल्प मेक लाइफ बेटर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया ऑथर ने कि आपके लिए अगर आप यू you नो know, जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो लोग आपकी तरह हैं या मेरी तरह हैं उनको आपको एडवाइस देना चाहोगे क्या जिससे उनकी लाइफ बेटर हो पाए तो इस पर स्टीफन हॉकिंग क्या बोलते हैं दे दे शुड ऑन आर आर गुड एट आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स अ वेस्ट ऑफ टाइम तो स्टीफन हॉकिंग ने इतनी अच्छी बात बोली कि मेरे हिसाब से जो भी पर्सन जिस चीज के लिए बना है जो उसको अच्छा लगता है करना उसको वही करना चाहिए यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स होते हैं जो है, है, डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स किए जाते हैं आंडी पीपल होते हैं उनके लिए ओलंपिक गेम्स होते हैं तो क्या होता है ना लोग जैसे ही अगर इस कंडीशन में आते हैं तो देखा देखी करते हैं कि अरे

तक मैं भी एक स्पेनिश गिटार है उसको बजाने की कोशिश कर रहा था जो मुझसे भी बड़ा है यानी वो स्पेनिश गिटार का जो साइज था वो मुझसे भी बड़ा था एंड हाउ ग्लीफुली आई हेट अनस्ट्रिंग डेड वन नाइट और क्योंकि मुझसे वो भजी नहीं रहा था बिकॉज नॉर्मल पीपल बड़ा गिटार विटार सीखते हो तो मुझे लगा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ बट क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट था ही नहीं उतना पैशन ही नहीं था मुझे तो मैंने बहुत खुशी खुशी ग्लीफुल यानी वेरी हैप्पीली एक रात को उसके सारे स्ट्रिंग्स ही रिमूव कर दिए जो स्ट्रिंग्स होती है जिसको हम बजाते हैं गिटार में वो सारी स्ट्रिंग्स ही हटा दिए मैंने मुझे इतनी तो खुशी मिली कि रहने दो भाई सीख ही नहीं पा रहा हूँ तो वो बोलते हैं मैं इस चीज़ से बड़ा अग्री करता हूँ बिकॉज नॉर्मल पीपल को देख कर कॉपी करते हैं हम लोग कि हम भी वैसा करें वैसा करें बट ऐसा कुछ नहीं होता आपको जो चीज अच्छी लगती है आपको वही करनी चाहिए द हाफ आर वर्स अप आई थिंक आई हैव नॉट यू इनफ आई सेट ग्रीनिंग थैंक यू फॉर अब उसी वक्त वो देखते हैं कि आधा घंटा हो चुका है उनको आधा घंटा मिला था स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए तो उन्होंने बोला लास्ट में कि मैंने आपको बहुत परेशान I mean, कि किया आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया एंड देन ही वॉज जस्ट और जब वो कंप्लीट ही कर रहे थे उसी वक्त क्या होता है स्टीफन हॉकिंग कहते हैं स्टे वो बोलते हैं अभी थोड़ी देर और रुक जाओ जस्ट स्टे फॉर अ लिटिल बॉय

तो जब बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी तेज पड़ती है और आप फोन लेकर जाओ बाहर आपको दिखता है कुछ फोन स्क्रीन पे नहीं ब्राइटनेस पूरी बढ़ा देते हो कभी कभी तो उसमें भी नहीं दिखता इतनी तेज रोशनी होती है सूरज की तो सेम वे बहुत तेज सूरज की रोशनी थी तो उनकी स्क्रीन पे जो लेटर्स थे वो उनको दिख ही नहीं रहे थे लेटर्स नहीं दिखेंगे तो वो पंचन कैसे करेंगे तो इस तरीके से बोला है कि सन मेड हिम साइलेंट यानी सूरज की रोशनी की वजह से वो चुप हो गए एंड आर लेटर यू वर रेडी टू लीव और एक घंटे बाद नाउ वर लाइक रेडी टू पार्ट यानी कि एक घंटा और टाइम दिया उन्होंने और इसके बाद वो अब रेडी थे कि वहां से वो जाए

मैंने पीछे देखा और मुझे पता था कि वो वेव कर रहे हैं बाय कर रहे हैं बट वो ऐसा कर नहीं रहे थे ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते थे बट कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहे थे औथर की नहीं मैं पीछे देख रहा हूँ तो पक्का वो मुझे बाय करना चाहते हैं बट ही कैनॉट डू दैट बिकॉज ऑब्वियसली मूवमेंट नहीं थी उनकी बॉडी में Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was wooing towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. नाव तो ऑथर बहुत ब्यूटीफुली ये लाइन्स लिखते हैं कि जब मैं उनको देख रहा था तो ऐसा लग रहा था वो मेरी ब्रेव सेल्फ, यानी कि मैं जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता हूँ जितनी स्ट्रेंथ है मुझमें उसका एक एम्बॉडीमेंट है यानी मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है अलग है बट मुझे मैं देख पा रहा था अपने आप को उनमें और इतने सालों से यू you नो know, मैं यही देख रहा था कि मैं उस तरफ मूव कर रहा हूं मैं उस ब्रेव सेल्फ की तरफ मूव कर रहा हूं जहां मैं अभी तक मैं बिलीव कर पा रहा था अपने अंदर और मैं उसकी तरफ अब जा रहा हूं यानी कि मेरे में और बिलीव बढ़ गया कि ये आई कैन डू अ लॉट इन माई लाइफ अ न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फिर वो बोलते हैं मुझे समझ आ गया था कि मेरी जर्नी अब एंड हो रही है यानी कि फॉर नाव अभी के लिए ये जर्नी एंड हो रही है लाइफ की नहीं अभी तो मेरी जर्नी बिगिन होगी जो मैंने चीजें सीखी स्टीफन हॉकिंग से अब उससे चैप्टर इट्स अगर आप में कोई सेल्फ भी है अगर आप में कोई यू नो कह सकते स्किल नहीं है आपको ऐसा लगता है कि मैं बेटर नहीं हूं ये पर्सन के पास एन तो एवरीथिंग यहाँ आपको कभी कभी लगता है कि यार फाइनेंशियली मेरा फ्रेंड ज्यादा अच्छा है काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी ये करता वो करता एंड ऑल वो सब चीजें फालतू हैं ठीक है इट्स यू इट्स ओनली यू हु कैन मेक अ डिफरेंस आपके अंदर जो एक चीज होती है जो एबिलिटी स्किल जो है जो हर किसी के अंदर होती है अगर आप उस पे काम करो अगर आप उस पे यू you नो know, उसको खोजने की कोशिश करो इफ यू जस्ट गेट टू नो योर सेल्फ बेटर कुछ भी अचीव कर सकते हो इन लाइफ बिकॉज इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने दैट इज हॉकिंग वी ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ फिर जिनका हम पढ़ रहे हैं यू नो चैप्टर इन दिस स्टोरी तो मतलब वेल well नोन है वो उन्होंने कुछ किया है अचीव किया है और हम तो ऑब्वियसली नॉर्मल है राइट वी आर एबल्ड वी आर नॉर्मल पीपल सो वी कैन अचीव मोर देन दैट बट हम क्या करते हैं हम रोने लग जाते हैं कि नहीं भाई हमें तो कोई ताकत ही नहीं हमें कोई स्किल्स नहीं है ऐसा थोड़ी ना होता है वो बड़े इंटेलिजेंट होंगे हमें को तो आता ही नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ ट्राई टू फाइंड आउट दैट स्किल दैट यू हैव एंड ट्राई टू पॉलिश इट सो दैट क्या पता कल आपकी भी कोई ना कोई ऐसी स्टोरी पब्लिश हो जाए एंड यू ऑल्सो फील सो ग्रेट एंड हैप्पी अबाउट योर सेल्फ सो विद दिस कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर बट येस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द सोल्यूशन ऑफ द एनसीआर क्वेश्चन